श्री गणेशाय नमः, ओम श्री कृष्णाय नमः, श्री गर्भ गीता, श्री कृष्ण अर्जुन संवाद। भगवान श्री कृष्ण का वचन है कि जो प्राणी इस गर्भ गीता का विचार करता है सो पुरुष फिर गर्भवास में नहीं आता है। अर्जुन वाच, हे कृष्ण जी, ये प्राणी जो गर्भ विषय आता है सो किस दोष करके आता है? हे प्रभु जी, जब ये जन्मता है तो इसको अधिक रोग भी लगते हैं, फिर मृत्यु होती है। हे स्वामी, वह कौन सा कर्म है जिसके करने से प्राणी जन्म मरण से रहित होवे? श्री भगवान वाच, हे अर्जुन, ये जो मनुष्य है सो अंधा है, मूर्ख है, जो संसार के साथ प्रीत करता है। यह पदार्थ मैंने पाया है और वो पाऊंगा, ऐसी चिंता इस प्राणी के मन से उतरती नहीं। आठ पहर माया को ही मांगता है, इन बातों को कर बार बार जन्मता और मरता है और गर्व विषय दुख पाता है। श्री अर्जुन उवाच, हे श्री कृष्ण भगवान, मन मस्त हाथी का नाई है, तृष्णा इसकी शक्ति है और ये मन पांच के वश में है, काम क्रोध लोभ मोह और अहंकार, और इन पांचों में अहंकार बहुत बली है, सो कौन यत्न है जिससे मन वश में हो? श्री कृष्ण भगवान वाच, हे अर्जुन, ये मन निश्चय हाथी के नाई है, तृष्णा इसकी शक्ति है, मन पांच के वश में है, अहंकार इनमें श्रेष्ठ है। हे अर्जुन, जैसे हाथी अंकुश से वश में रहता है वैसे ही मन रूपी हाथी को वश में करने के लिए ज्ञान अंकुश है, अहंकार करने से जीवन नरक में पड़ता है। अर्जुन उवाच, हे श्री कृष्ण भगवान, एक वो है जो तुम्हारे नाम के लिए खंडों में फिरते हैं, एक जो बैरागी हुए, एक धर्म करते हैं, इस विषय में कैसे जानिए कि जो वैष्णव है वो कौन है? श्री कृष्ण उवाच, हे अर्जुन, एक मेरे नाम के लिए वनों में फिरते हैं, एक सन्यासी कहते हैं, एक सिर पर जटा बांधते हैं और एक भस्म लगाते हैं, इनमें हम नहीं हैं, क्योंकि इन विषय अहंकार है, इससे मेरा दर्शन दुर्लभ है। अर्जुन उवाच, हे श्री कृष्ण भगवान, वह कौन पाप है जिससे स्त्री मर जाती है? वह कौन पाप है जिससे पुत्र मर जाते हैं? और नपुंसक कौन से पाप से होता है? श्री कृष्ण उवाच, हे अर्जुन, जो किसी से कर्ज लेता है और देता नहीं है, इस पाप से स्त्री मरती है, और जो किसी की अमानत रखी पचाए लेते हैं उनके पुत्र मरते हैं, और जो किसी का कार्य किसी के गोचर आए पड़े और जवानी कहे कि मैं तेरा कार्य सबसे पहले करूंगा, और जब समय बन पड़े तब उसका कार्य नहीं करे, इस पाप से वो नपुंसक होता है, ये बड़े पाप हैं। अर्जुन उवाच, हे श्री कृष्ण भगवान, कौन पाप से मनुष्य सदा रोगी रहता है? किस पाप से गधे का जन्म पाता है? स्त्री का जन्म तथा टट्टू का जन्म किस पाप से होता है? श्री कृष्ण उवाच, हे अर्जुन, जो कन्या दान करते हैं और दान में मूल्य लेते हैं वे दोषी हैं, वे मनुष्य सदा रोगी रहता है। जो विषय विकार के वास्ते मदरा पान करते हैं सो टट्टू का जन्म पाते हैं, जो झूठी गवाही करते हैं वे स्त्री का जन्म पाते हैं, और जो रसोई बनाकर पहले से खा लेते हैं और पीछे परमेश्वर का दान देते हैं वे बिल्ली का जन्म पाते हैं और स्त्री का जन्म पाते हैं। जो मनुष्य अपनी झूठी वस्तु दान करते हैं वे स्त्री का जन्म पाते हैं। अर्जुन उवाच, हे श्री कृष्ण भगवान, कई मनुष्यों को तुमने स्वर्ण दिया सो उन्होंने कौन पूर्ण किया है, और कई मनुष्यों को आपने हाथी घोड़े रथ दिए उन्होंने कौन सा पूर्ण किया है? श्री भगवान उवाच, हे अर्जुन, जिन्होंने स्वर्ण दान किया है उनको हाथी घोड़े वाहन मिलते हैं, जो परमेश्वर निर्मित कन्या दान करते हैं सो पुरुष का जन्म पाते हैं। अर्जुन उवाच, हे भगवान, जिन पुरुषों की सुंदर विचित्र देह है उन्होंने कौन कौन सा पुण्य किया है? किसी के घर संपत्ति है, कोई विद्वान है, उन्होंने कौन सा पुण्य किया है? श्री भगवान उवाच, हे अर्जुन, जिन्होंने अन्न दान किया है उनका स्वरूप सुंदर है, जिन्होंने विद्या दान किया है वे विद्वान है, जिन्होंने संतों की सेवा की है वे पुत्रवान होते हैं। अर्जुन उवाच, हे भगवान, किसी को धन से प्रीति है, किसी को स्त्रियों से प्रीति है, इसका क्या कारण है?
श्री कृष्ण भगवान उवाच, हे अर्जुन, किसी का धन स्त्री सब नाश रूप है, मेरी भक्ति नाश नहीं है। अर्जुन उवाच, हे भगवान, राजपाट किस धर्म से मिलते हैं, विद्या कौन से धर्म से मिलती है। श्री कृष्ण उवाच, हे अर्जुन, जो प्राणी काशी में निष्काम भक्ति से तप करते हैं, वे देह त्यागते हैं, सो वह राजा होते हैं। जो गुरु की सेवा करता है वो विद्वान होता है। श्री अर्जुन उवाच, हे भगवान, किसी को धन बिना परिश्रम के मिलता है, कोई धन सारी उम्र एकत्र नहीं कर पाते, कोई रोग रोग रहित होते हैं, सो उन्होंने कौन से पुण्य किए हैं। श्री भगवान उवाच, हे अर्जुन, जिन्होंने गुप्त दान किया उनको धन अनायास ही मिलता है, जिन्होंने परमेश्वर का कार्य किया और संवारा है वे रोग रहित होते हैं। श्री अर्जुन उवाच, हे भगवान, कौन से पाप से अम्ली होते हैं और कौन से पाप से कुष्ठी। श्री कृष्ण उवाच, हे अर्जुन, जो अपने गुरु की स्त्री से गमन करते हैं सो अम्ली होते हैं, जो गुरु से विद्या पाकर मुकर जाते हैं वो गूंगे होते हैं, जिन्होंने कुकर्म किया है वो कुष्ठी होते हैं। अर्जुन उवाच, हे श्री भगवान, किसी की देह में रक्त का विकार होता है सो किस पाप से कोई दरिद्री होते हैं, कोई अंधे होते हैं, पंगुल होते हैं सो कौन से पाप से होते हैं, कोई स्त्रियां बाल विधवा होती हैं सो कौन से पाप से होती हैं। श्री कृष्ण उवाच, हे अर्जुन, जो सदा क्रोधवान रहते हैं उनको रक्त विकार होता है, जो सुशील रहते हैं वो दरिद्री होते हैं, जो कुकर्मी ब्राह्मण को दान देते हैं उन्हें खंड वायु होती है, जो प्राणी स्त्री को नंगी देखता है, गुरु की स्त्री से कुदृष्टि रखता है, जिसने गौ ब्राह्मण को लात मारी है सो अंधा व पंगुल होता है, जो स्त्री अपने पति को छोड़कर पराय पुरुषों से संग करती है वह बाल विधवा होती है। अर्जुन उवाच, हे भगवान, हे श्री कृष्ण, तुम पार ब्रह्म हो, मेरा नमस्कार है, आगे मैं तुमको संबंधी जानता था, अब मैं परमेश्वर के रूप में जानता हूँ। हे पार ब्रह्म परमेश्वर, गुरु दीक्षा कैसी होती है ये कृपा करके कहिए। श्री भगवान उवाच, हे अर्जुन, तुमको धन्य है, फिर तुम्हारी माता को भी धन्य है, जिनके ऐसे पुत्र हुए जिसने गुरु दीक्षा पूछी है। हे अर्जुन, सारे संसार के गुरु जगन्नाथ हैं, विद्या का गुरु काशी, चारों वर्णों का गुरु ब्राह्मण, ब्राह्मण का गुरु सन्यासी, और सन्यासी उसको कहते हैं जिसने सब कुछ त्याग कर दिया है, मेरे विषय मन लगाया है, सो ब्राह्मण जगत गुरु है। हे अर्जुन, यह बात ध्यान देकर सुनने की है, गुरु हो कैसा जिसने सब इंद्रियां जीती हो, जिसको सारा संसार ईश्वर रूपी नजर आता हो, जो सब जगह से उदास हो, ऐसा गुरु करे जो परमेश्वर के जानने वाला होवे, उस गुरु की पूजा सब तरह करे। हे अर्जुन, जो गुरु का भक्त है सो मेरा भी भक्त, जो प्राणी गुरु सम्मुख होकर मेरा भजन करते हैं उनका भजन करना सफल है, जो प्राणी गुरु के विमुख हैं उनका सप्त ग्राम मारे का पाप है, गुरु विमुख प्राणी का दर्शन करना योग्य नहीं, गृहस्त गुरु से विमुख हो सो चंडाल के समान है, जिस जगह मंदरा का भांड हो उस विषय को गंगा जल है सो अपवित्र होता है, इसी तरह गुरु से विमुख का भोजन भी अपवित्र होता है, उसके हाथ का देवता भी नहीं लेते, उसके सब कर्म निष्फल होते हैं, कुकर सूकर गंधर्व काक इन सब योनियों से सर्प की बड़ी खोटी योनि है, इन सब से भी वह मनुष्य खोटा है, जो गुरु नहीं करता, गुरु बिना गति नहीं होती, अवश्य नरक में जाएगा, गुरु दीक्षा बिना प्राणी सब कर्म निष्फल होते हैं। अर्जुन, जैसे चारों वर्णों की मेरी भक्ति करना योग्य है, तैसे गुरु धार के शुरू की भक्ति सेवा करनी योग्य है, जैसे सब नदियों में गंगा श्रेष्ठ है, सब व्रतों में एकादशी का व्रत श्रेष्ठ है, वैसे ही अर्जुन सब में श्रेष्ठ गुरु सेवा है, उत्तम है, गुरु दीक्षा बिना प्राणी पशु योनि पाता है, धर्म करता है सो पशु योनि में फल भोगता है, 84 में भरता रहता है। अर्जुन उवाच, हे श्री कृष्ण, गुरु दीक्षा क्या वस्तु है। श्री कृष्ण उवाच, हे अर्जुन, धन्य जन्म है तेरा जिसने ये प्रश्न किया, तू धन्य है, गुरु दीक्षा दोनों अक्षर है, श्री हरि नाम इन अक्षरों को गुरु कहता है, यह चारों वर्णों का जपना श्रेष्ठ है। हे अर्जुन, जो गुरु की सेवा करता है वो मेरी सेवा करता है, मेरी उस पर प्रसन्नता है, वह 84 से छूट जाएगा, जन्म मरण से रहित हो नरक नहीं भोगता, जो प्राणी गुरु की सेवा नहीं करता सो 3.5 करोड़ वर्षों तक नरक नरक भोगता है, जो गुरु की सेवा करता है
उसको कई अश्वमेध के बराबर फल प्राप्त होता है। गुरु की सेवा मेरी सेवा है। हे अर्जुन, हमारे तुम्हारे संवाद को जो प्राणी पढ़ेंगे और सुनावेंगे और सुने सुनावेंगे, सो गर्भ के दुख से बचेंगे, उनकी 84 कट जाएगी। इसी करके इस पाठ का नाम गर्भ गीता है। श्री कृष्ण महाराज के मुख से अर्जुन ने श्रवण किया है। गुरु दीक्षा लेना उत्तम कर्म है। उसका यह फल है कि नरक की 84 से जीव बचा रहता है और भगवान प्रसन्न रहते हैं। इति श्री गर्भ गीता।